जनकांश इंटरमीडिएट कॉलेज की ओर से मैं अग्निशमन आज क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। किरण प्रकाशिकी के नेक्स्ट टॉपिक में आज टॉपिक है मेरा मिरर यानी कि दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश का संभव होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव, वह सभी क्या रहती है? दर्पण रहती है। अर्थात वह चिकनी या पाली सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव, दर्पण कराती है। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में आप सभी जानते भी हैं, आप सभी के घरों में जो दर्पण है वह समतल दर्पण है। अर्थात समतल दर्पण का जो परावर्तन पृष्ठ होता है वह समतल होता है। परिभाषा इस तरीके की है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है, आपको दिख रहा है यह एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ, इधर वाला पृष्ठ जो है जिस पर कोई लेप नहीं किया गया है, अर्थात इससे प्रकाश का परावर्तन होता है, इसलिए इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। और इधर जो पृष्ठ दिख रहा है पीछे का, वह पॉलिश किया हुआ है, उसे कहते हैं पॉलिश सतह। अर्थात जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, और जिस सतह पर लेप किया होता है उसे कहते हैं पॉलिश सतह। दूसरा है गोली दर्पण। यह गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इस दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है वह अंदर की तरफ है, इसे कहते हैं अवतल दर्पण, और इस दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है बाहर की तरफ है यानी कि उभरा हुआ है, उसे कहेंगे हम उत्तल दर्पण। यह पीछे का आपका पॉलिश सतह, ऊपर देखते हैं इसका परिभाषा। अवतल दर्पण यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात दबा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए यह एक दर्पण है, इसके इस वाले पृष्ठ पर पॉलिश किया गया है, इसलिए इसे कहते हैं पॉलिश सतह, और इस वाले जो आगे वाला सतह है उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। अर्थात इस सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा और इस दर्पण को कहेंगे हम अवतल दर्पण। अर्थात वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात ये दबा हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे हम अवतल दर्पण। दूसरा परिभाषा है उत्तल दर्पण यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर अर्थात उभरा हुआ हो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, आपको दिख रहा है यह एक दर्पण है, इस दर्पण में जो दबा हुआ सतह है उसको पॉलिश किया गया अर्थात तो कौन सा सतह है? पॉलिश सतह। और जो उभरा हुआ है वह परावर्तक पृष्ठ है अर्थात यह जो दर्पण है उसे दर्पण कहते हैं उत्तल दर्पण। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद का अध्ययन करेंगे। आज जितना भी पढ़े आप उसका रिवाइज कीजिएगा, इसका नोट बनाइएगा, क्योंकि किरण प्रकाशिकी का या प्रकाश चैप्टर क्लास 10 का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है।